हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा सोल्यूशन इंडा। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपको जुरिस्प्रूडेंस का एक टॉपिक बताने जा रहा हूँ, जिसका ना जो आपके सिलेबस में है, जिसका नाम शेड्यूल है, जो ड्रग्स के हमारे शेड्यूल है, जो कैटेगरी है, अलग अलग ड्रग्स को अलग अलग शेड्यूल के हिसाब से रखा गया है, वो कौन कौन से शेड्यूल हैं और उन्हें आसानी से कैसे याद किया जाए, उनके ट्रिक्स के बारे में बताऊंगा। मैं कुछ खास खास ट्रिक्स बनाया हूं जिससे मैं आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। इसको याद करने में बहुत कठिनाई होती है स्टूडेंट को, तो मैं इसे बहुत ही आसान शब्दों में लिखा भी हूँ और आपको नोट्स भी दूंगा। फ्री में ये नोट्स मिलेंगे आपको, आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं, और बाकी मैं आपको यहाँ पे एकदम सरल भाषा में समझा भी रहा हूँ। तो देखिए शेड्यूल, अब हम शुरू करते हैं। पहला शेड्यूल हमारा जो होता है वो होता है शेड्यूल ए। शेड्यूल ए में क्या होता है, जनरली शेड्यूल ए में क्या होता है, प्रोफार्मा फॉर एप्लीकेशन फॉर्म, यानी जो हम एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं उसका प्रोफार्मा होता है। तो इसको तो इसका तो कोई ट्रिक बन नहीं सकता, इसलिए इसमें साफ साफ लिखा है कि कोई काम करने से पहले फॉर्म भरते हैं, ये इतना आप याद रखें। शेड्यूल ए में फॉर्म भरा जाता है, किसी भी एप्लीकेशन फॉर्म का जो प्रोफार्मा होता है, जो तरीका होता है, वो इसमें बताया जाता है किसी भी एप्लीकेशन का। और शेड्यूल बी में क्या होता है कि शेड्यूल बी क्या होता है कि रूल्स ऑफ फीस फॉर टेस्ट एंड एनालिसिस, यानी जो टेस्ट एनालिसिस के जो फीस पेमेंट का जो रूल होता है वो इसमें डिस्क्राइब किया गया है इस शेड्यूल के अंदर में। तो इसको याद करने का क्या तरीका है, शेड्यूल ए में फॉर्म भरा जाता था और शेड्यूल बी में क्या हो जाएगा कि फॉर्म भरने के बाद क्या लगता था, फीस लगता था। तो इसे हम ऐसे याद कर सकते हैं कि फॉर्म भरने के बाद फीस लगता है वो शेड्यूल बी में होता है। और शेड्यूल सी, अब ये देखिए ये थोड़ा बहुत आसानी सा और बहुत अच्छा सा ट्रिक है, इसमें आप इसे समझिए। शेड्यूल सी में देखिए इसमें क्या होता है कि लिस्ट ऑफ बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट, जो बायोलॉजिकल और स्पेशल प्रोडक्ट होते हैं उनकी लिस्ट किस में होती है, शेड्यूल सी में। शेड्यूल सी में स्पेशल और बायोलॉजिकल प्रोडक्ट जो होते हैं उनकी लिस्ट होती है। अब उन्हें याद कैसे करें, सी शेड्यूल सी, जैसे कि आपको सुनने में सी सुनाई दे रहा है, तो सी का मतलब यहाँ क्या होता है, समुद्र होता है, जिसमें क्या होता है, बायोलॉजिकल और स्पेशल प्रोडक्ट होते हैं। तो आप इसको ऐसे याद करते हैं, सी ही मतलब समुद्र, सी सी मतलब समुद्र, समुद्र में क्या होता है, कुछ स्पेशल और बायोलॉजिकल प्रोडक्ट होते हैं। इससे आप इसको आप कोरिलेट करिए शेड्यूल सी से। शेड्यूल सी को जब सी आपके मन में आएगा, सी मतलब समुद्र, तो आपको तुरंत याद आ जाएगा कि समुद्र में क्या होते हैं, कुछ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट और स्पेशल प्रोडक्ट होते हैं जो शेड्यूल सी के अंतर्गत उन्हीं का लिस्ट होता है। तो ये इनका इसे याद करने का तरीका, सबसे आसान तरीका ये है कि सी मतलब समुद्र, जिसमें कुछ बायोलॉजिकल और स्पेशल प्रोडक्ट होते हैं। अब इसी में C1 एक शेड्यूल होता है, C1 में क्या होता है कि जो समुद्र में मिला उसके लिस्ट, यानी इसमें लिखा गया है कि लिस्ट ऑफ स्पेशल प्रोडक्ट, जो समुद्र में हमें स्पेशल प्रोडक्ट मिला था, या जैसे ये याद करने का तरीका है हमारा, मैंने यहाँ पे लिख दिया हिंदी में कि लिस्ट ऑफ स्पेशल प्रोडक्ट। तो हमें शेड्यूल सी में क्या मिला था, स्पेशल प्रोडक्ट और बायोलॉजिकल प्रोडक्ट की लिस्ट मिली थी, और वो सी, सी का मतलब समुद्र। तो यहाँ उसी को कोरिलेट करते हुए मैंने ऐसे ही आसान भाषा में लिखा है कि जो समुद्र में मिला उसकी लिस्ट। सी वन में भी क्या होती है कि सी मतलब समुद्र, और उसमें जो बायोलॉजिकल और स्पेशल प्रोडक्ट मिलते हैं उनकी लिस्ट होती है सी वन में। और अब शेड्यूल डी में क्या होता है, शेड्यूल डी जो ड्रग लिस्ट ऑफ ड्रग एग्जिम्प्टेड, ऐसे ड्रग जो कि क्या कहते हैं, जिन पे छूट होती है, जिन पे छूट मिलती है हमें, उनकी लिस्ट होती है शेड्यूल डी के अंतर्गत, वो ड्रग्स आते हैं लिस्ट ऑफ ड्रग एग्जिम्प्टेड, यानी जो ड्रग शेड्यूल डी में आते हैं उन पे क्या होती है, छूट मिलती है। तो इसे याद करने का क्या तरीका है, लास्ट में डी है, एग्जिम्प्टेड, एग्जिम्प्टेड में क्या है, लास्ट में डी है, तो इसलिए शेड्यूल डी एग्जिम्प्टेड, शेड्यूल डी का मतलब एग्जिम्प्टेड, एग्जिम्प्टेड मतलब लास्ट में डी है। इससे हम रिलेट करके इसको क्या करेंगे, याद कर सकते हैं शेड्यूल डी में क्या होता है, लिस्ट ऑफ ड्रग एग्जिम्प्टेड, यानी कि जो ड्रग हम जिन पे हमें छूट मिलती है उनकी लिस्ट क्या होती है, शेड्यूल डी में आती है। अब शेड्यूल ई वन, शेड्यूल ई वन हमारा क्या होता है कि लिस्ट ऑफ पॉइजनस सब्सटेंस। आप देखिए ई से समझिए, इसका मेन जो मतलब है, उस मतलब तो ये है कि लिस्ट ऑफ पॉइजनस सब्सटेंस, लेकिन इसको याद करने का कैसे तरीका होता है, ई मतलब होता है इविल, इविल देखिए नीचे लिखा हूँ मैं कि ई माने इविल, शरीर के लिए इविल मतलब जहर, मतलब ई शेड्यूल ई मतलब शेड्यूल ई में क्या आता है, लिस्ट ऑफ पॉइजनस सब्सटेंस, पॉइजनस मतलब जहर। तो इसको याद कैसे करेंगे, ई से इविल हम याद कर लेंगे, इविल मतलब क्या होता है, शरीर के लिए जो जहर हो या दुश्मन हो जो शरीर के लिए, ऐसे उनकी पॉइजनस सब्सटेंस का लिस्ट क्या होता है, ई में आता है, ई मतलब इविल, ऐसे सब्सटेंस जो शरीर के लिए हानिकारक हो या दुश्मन
के तरीके से बिहेव करते हों, उस तरह के जो प्रोडक्ट सब्सटेंस होते हैं वो शेड्यूल ई में आते हैं। ई मतलब इविल वाले, इविल जैसे जो सब्सटेंस होते हैं वो शेड्यूल ई में आते हैं, ईवन में। अब हम शेड्यूल एफ देखते हैं। शेड्यूल एफ में क्या होता है, शेड्यूल एफ का जो नॉर्मल मीनिंग है, जो मतलब शेड्यूल एफ में क्या होता है कि मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर ऑपरेटिंग एंड रनिंग ब्लड बैंक, यानी कम से कम जो ज़रूरत है, क्या ज़रूरत होती है ब्लड बैंक को रन करवाने के लिए और ऑपरेट करने के लिए, किसी भी ब्लड बैंक को ऑपरेट और रन करवाने के लिए जितनी भी कम से कम जो आवश्यकता होती है उनकी लिस्ट, वो इसमें शेड्यूल एफ में बताई जाती है, डिस्क्राइब रहती है। जब भी आप शेड्यूल एफ में पढ़ेंगे तो आपको बताया जाएगा कि ब्लड बैंक खोलने के लिए या ब्लड बैंक को रन करवाने के लिए क्या क्या आवश्यकताएँ होती हैं। तो अब इसको याद कैसे करेंगे, एफ, शेड्यूल एफ मतलब होता है, एफ से हमने लिखा है नीचे फॉरन पार्टिकल, जो कि ब्लड में टैग करता है। आप इसको आसानी से ये समझ के याद करिए कि एफ माने फॉरन पार्टिकल जो ब्लड में अटैक करता है। यहाँ जैसे ही ब्लड आएगा आपको पता चल जाएगा कि एफ का मतलब होता है फॉरन पार्टिकल, जो शेड्यूल एफ में आता है फॉरन पार्टिकल जो ब्लड में अटैक करता है, यानी कि एफ से फॉरेन पार्टिकल और इसको हम ब्लड से कोरिलेट कर लेंगे तो हमें तुरंत याद आ जाएगा कि ब्लड बैंक को रन करवाने के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है वो शेड्यूल एफ के अंदर आता है। और शेड्यूल एफ वन में क्या होता है, लिस्ट ऑफ सीरा एंड वैक्सीन्स। शेड्यूल एफ वन में हमारा जो हमारे वैक्सीन्स और सीरा की लिस्ट है वो शेड्यूल एफ वन में डिस्क्राइब की गई है। लेकिन इसको हम याद कैसे करेंगे, अब देखिए हम शेड्यूल एफ में पढ़े थे कि जो फॉरेन पार्टिकल है वो ब्लड में अटैक करता है, तो इससे हमें पता चल गया था कि ब्लड बैंक को रन करवाने के लिए कौन कौन सी आवश्यकताएं हैं, इनकी ये सारी जानकारी कहाँ मिलेगी, शेड्यूल एफ में। अब एफ वन में क्या होता है कि लिस्ट ऑफ सीरा एंड वैक्सीन आती है, तो अब हमें इसे कैसे आसानी से याद करेंगे, इनकी ट्रिक क्या है, आप नीचे देखिए मैंने लिखा है ब्लड में फॉरन पार्टिकल के अटैक करने से इन्फेक्शन से बचने के लिए सीरा एंड वैक्सीन दी जाती है। यानी जो फॉरन पार्टिकल शेड्यूल एफ में जो ब्लड बैंक को रन करवाने के लिए हम फॉरन पार्टिकल का एग्जाम्पल लिए थे, वो जब हमारे ब्लड में हमें अटैक करेंगे तो हम उनसे बचने के लिए क्या लेंगे, वैक्सीन और सीरा लेंगे। तो जैसा कि हमें पता चल गया कि एफ वन में लिस्ट ऑफ सीरा एंड वैक्सीन डिस्क्राइब की गई हैं, तो हम इसे फिर वो उसी ब्लड बैंक से कोरिलेट करेंगे और उसमें जब फॉरेन पार्टिकल आपके ब्लड में इन्फेक्शन फैलाएंगे तो उनको रोकने के लिए क्या करेंगे, हम सीरा एंड वैक्सीन दी जाती है। ये इसको इस तरह से हम दिमाग में बैठाएंगे कि ब्लड में फॉरेन पार्टिकल्स के अटैक करने से इन्फेक्शन से बचने के लिए सीरा एंड वैक्सीन दी जाती है। एफ वन में ये होता है। एफ़ टू में क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग। तो इसका कोई ट्रिक नहीं है, ये मैंने साफ साफ यहाँ पे लिखा है, जितने भी सारे मानक होते हैं स्टैंडर्ड होते हैं सर्जिकल ड्रेसिंग के वो इसमें डिस्क्राइब की गई है। शेड्यूल एफ थर्ड में क्या होता है कि स्टैंडर्ड फॉर अम्बिलिकल टेप। अम्बिलिकल टेप क्या होता है मैं इसको बता देता हूँ, इसका कोई ट्रिक नहीं है, इसको आपको पढ़ना ही होगा। अम्बिलिकल टेप से आप याद कर लीजिएगा, अम्बिलिकल टेप वो होते हैं जो ब्लड को एक्सेसिव ब्लीडिंग से बचाते हैं। आपको कहीं भी ब्लीडिंग हो रही है तो आपको क्या करेंगे, वो पट्टी टाइप का होता है उसे लगा देंगे तो ब्लड को क्या करेगा, वो नहीं, ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं होने देगा। तो शेड्यूल एफ थ्री में क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर अम्बिलिकल टेप। अब शेड्यूल डबल एफ में हम इसको आसान याद करने का बहुत ही आसान ट्रिक है। देखिए मैंने लिखा है, पहले जान लेते हैं इसमें होता क्या है। शेड्यूल डबल एफ में हमारा जो होता है स्टैंडर्ड फॉर ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन, जो हमारी आँख से रिलेटेड जितनी सारी प्रिपरेशन होती है उनकी स्टैंडर्ड या उनका मानक जो होता है ये इसमें तय किया गया शेड्यूल डबल एफ में, एफ में मान के चलिए। तो इसको याद कैसे करेंगे, एफ मतलब बाईफोकल, हमें इससे याद करना है कि दो एफ है इसलिए हम बाईफोकल, और बाईफोकल से हमें तुरंत आँख हमारे दिमाग को तुरंत पता चलेगा कि हम आँख से रिलेटेड बातें कर रहे हैं। तो हमें ये पता चल जाएगा कि डबल एफ में, शेड्यूल डबल एफ में हमारे जितने सारे स्टैंडर्ड होते हैं आँख से रिलेटेड प्रिपरेशन के, उनको इसमें रखा गया है। तो बाईफोकल लेंस आँख में लगता है, ये मैंने लिख दिया है ट्रिक के रूप में। तो बाईफोकल लेंस जैसे ही आपको याद आएगा, डबल एफ से आपको फोकल भी याद आ जाएगा और आँख में जैसे ही फोकल आप वो करेंगे आँख, जैसे ही आप आँख पे ध्यान जाएगा आपको तुरंत ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन आपके दिमाग में आ जाएगा। तो शेड्यूल एफ में स्टैंडर्ड फॉर ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन, यानी जितने भी आँख से रिलेटेड प्रिपरेशन बनती है वो इनका स्टैंडर्ड कैटेगरी में डिस्क्राइब किया है शेड्यूल डबल एफ में। इसको याद करने का तरीका है, बाईफोकल लेंस आँख में लगता है, इससे आपको तुरंत पता चल जाएगा, आपका दिमाग कहेगा कि हाँ आँख से रिलेटेड बातें हो रही हैं, तो यहाँ शेड्यूल एफ में ही इसको डिस्क्राइब किया गया है।
शेड्यूल जी में क्या होता है, लिस्ट ऑफ ड्रग यूज्ड अंडर मेडिकल सुपरविजन, ऐसे ड्रग जो मेडिकल सुपरविजन के अंडर में ही यूज किया जाता है, यानी आपको उसको खुद से नहीं ले सकते हैं, आप किसी न किसी मेडिकल सुपरवाइजर या किसी डॉक्टर के सामने या उसके देख रेख में ही आपको लेना रहता है। तो इसको याद करने का तरीका क्या है, जी से क्या हो, शेड्यूल जी, जी मतलब गार्जियन, गार्जियन कौन होता है, मेडिकल सुपरवाइजर यानी ये डॉक्टर, तो आपके दिमाग में यह आ जाएगा जी से मतलब गार्जियन, गार्जियन मतलब मेडिकल सुपरवाइजर, जो आपको सुपरवाइज कर रहा है, जो आपको देख रहा है, जो आपके देख रेख में, जिसकी देख रेख में आप दवा खा रहे हैं, तो इससे आपको याद हो जाएगा शेड्यूल जी, जी मतलब गार्जियन, गार्जियन से आपको याद आ जाएगा मेडिकल सुपरवाइजर या डॉक्टर, जो आप जिसकी देख रेख में आप दवाई खा रहे हैं, यानी शेड्यूल जी मतलब लिस्ट ऑफ ड्रग यूज्ड अंडर मेडिकल सुपरविजन, मतलब मेडिकल जैसे ड्रग की लिस्ट जो मेडिकल सुपरवाइजर के सुपरविजन में ही खाया जाता है या किसी भी जो डॉक्टर है उसके देख रेख में ही उसको यूज की जाती है। अब आ जाइए शेड्यूल एच पर, शेड्यूल एच में क्या होता है, लिस्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग, ऐसी ड्रग जो बिना प्रिस्क्रिप्शन को आपको नहीं मिलेगी, जब तक दवा की पर्ची नहीं रहेगी, डॉक्टर लिखेगा नहीं तब तक आपको नहीं मिलेगी, तो ऐसी ड्रग की लिस्ट किस में रखी गई है, शेड्यूल एच में, इसको आप एच पी गैस आप दिमाग में रखिए, एच पी गैस, एच पी गैस से आपको पता चल जाएगा शेड्यूल एच में क्या होता है, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग, शेड्यूल एच, एच से आपका शेड्यूल एच हो गया, पी से मतलब हो गया प्रिस्क्रिप्शन, तो आप इसको बस एच पी गैस याद रखिएगा, एच से हो गया, एच से मतलब हो गया शेड्यूल एच, और उसको कोरिलेट कर दीजिए या पी, पी मतलब प्रिस्क्रिप्शन, ऐसे ड्रग जो प्रिस्क्रिप्शन पे मिलते हैं तो इन्हीं को हमने एच पी गैस लिख दिया है। शेड्यूल जे में क्या होता है, जे देखिए बहुत ही आसान और एकदम एकदम जबरदस्त ट्रिक है ये, जिससे आपको ये शेड्यूल एच आसानी से याद रहे। देखिए क्या है, शेड्यूल एच में मेनली होता है लिस्ट ऑफ इनक्यूरेबल डिजीज, ऐसी डिजीज का लिस्ट जो जानलेवा होती है या इनक्यूरेबल, जल्दी ठीक नहीं होता, ठीक ही नहीं होती है, जानलेवा होती है, जैसे कैंसर, तो इनको याद करने का क्या तरीका है, जे मतलब जानलेवा, जानलेवा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इनक्यूरेबल, फॉर एग्जाम्पल कैंसर, तो जे से जानलेवा, आपको जैसे ही जानलेवा याद आएगा आपको तुरंत अंग्रेजी, इसकी इंग्लिश आपको पता चल जाएगी कि इनक्यूरेबल, तो शेड्यूल जे में क्या होता है, जे से जानलेवा, तो शेड्यूल जी मतलब कि शेड्यूल जी को जानलेवा से आप वो करेंगे, जब कोरिलेट करेंगे तो तुरंत आपको आपके दिमाग में आएगा कि इनक्यूरेबल डिजीज़ की बात हो रही है, तो आपको तुरंत पता चल जाएगा शेड्यूल एच में जो होता है, शेड्यूल जे में जो होता है, जे मतलब जानलेवा, तो लिस्ट ऑफ इनक्यूरेबल डिजीज इसमें आती हैं, जो डिजीज जानलेवा होती हैं। शेड्यूल के, शेड्यूल के में क्या होता है, ड्रग इज एग्जिमिटेड फ्रॉम प्रोविज़न ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ऐसे ड्रग जो जिनको छूट मिली रहती है मैन्युफैक्चरिंग के समय, प्रोविज़न मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ऐसे ड्रग जिनको छूट मिली रहती है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, वो ड्रग इनमें लिस्ट, उनकी लिस्ट इसमें आती है शेड्यूल के में, तो इसका कोई ट्रिक नहीं है, आप इसको रख लीजिएगा आप मेरे नोट से, आप जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहूँगा आप पढ़ भी सकते हैं इसको डाउनलोड करके। शेड्यूल एम में अब आ जाते हैं, शेड्यूल एम बहुत इंपॉर्टेंट है और आता भी है, ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है इससे। देखिए शेड्यूल एम में क्या होता है, जीएमपी फॉर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, जीएमपी का फुल फॉर्म होता है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, यानी जीएमपी फॉर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, शेड्यूल एम जीएमपी फॉर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, इसको कैसे याद करेंगे, एम एम शेड्यूल एम है तो एम मतलब जीएमपी, एम किस में आता है, जीएमपी के बीच में एक एम आता है, उसी से हम इसको कोरिलेट कर लेंगे कि जीएमपी मतलब एम, और इसको कैसे याद करेंगे, एम मतलब जीएमपी, बस जीएमपी आपको पता चल जाएगा तो गुड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट आपको तुरंत याद आ जाएगा, एम से याद करिएगा कि जीएमपी में एम होता है। अब एम वन भी इसी एम वाले शेड्यूल में एम वन आता है, जिस एम वन को क्या होता है, इसका कोई ट्रिक नहीं, आपको तीनों बहुत आसान है, इसको आप याद कर लीजिएगा, जैसे इसमें लिखा है एम वन जो होता है जीएमपी फॉर होम्योपैथिक मेडिसिन, एम टू होता है जीएमपी फॉर कॉस्मेटिक मेडिसिन, और M3 जो होता है GMP फॉर मेडिकल डिवाइसेस। फिर से सुन लीजिए एक बार, M1 मतलब होता है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस फॉर होम्योपैथिक, और M2 मतलब होता है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस फॉर कॉस्मेटिक प्रिपरेशन, और M3 मतलब होता है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस फॉर मेडिकल डिवाइसेस। तो ये हो गया M। अब शेड्यूल N क्या होता है, शेड्यूल M आप सुन लीजिए, शेड्यूल M को याद करने का बहुत आसान तरीका भी है, मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर रनिंग ऑफ रनिंग फार्मेसी, मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर रनिंग फार्मेसी, मतलब फार्मेसी को रन करने के लिए कम से कम क्या क्या आवश्यकताएं होती हैं, उनको किसमें डिस्क्राइब किया गया, शेड्यूल एम में, शेड्यूल एन में, शेड्यूल एन में आपको मिनिमम कितनी रिक्वायरमेंट, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है एक फार्मेसी को रन करवाने के लिए, वो यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पे मैंने इसका ट्रिक लिखा है, एन से क्या होता है, नीड, नीड मतलब रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट मतलब ज़रूरत, आपको तुरंत याद आ जाएगा एन से ही, आपको नीड रिक्वायरमेंट सब याद आ जाएगा, जैसे ही आपको नीड पता चलेगी आप तुरंत समझ जाइएगा कि एन मतलब नीड, नीड मतलब कि जितनी भी आवश्यकता पड़ती है फार्मेसी को रन करवाने के लिए, कम से कम जो आवश्यकताएँ होती हैं
उनकी उनका लिस्ट क्या होता है इसमें बताया गया है, या उनको इसमें डिस्क्राइब किया गया शेड्यूल एन में। किसी भी फार्मेसी को रन करने के लिए कम से कम जो आवश्यकताएँ होती हैं वो शेड्यूल या एन में डिस्क्राइब किया गया है। शेड्यूल ओ क्या होता है? शेड्यूल ओ देखिए बहुत ही आसान ट्रिक मैंने यहाँ पे लिखा है, बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग ट्रिक है। देखिए शेड्यूल ओ मतलब होता है स्टैंडर्ड फॉर डिसइंफेक्टेंट फ्लूड। ऐसे फ्लूड के मानक या बना उनके मानक को लिखा गया है, स्टैंडर्ड लिखा गया है उनका, जो डिसइंफेक्टेंट फ्लूड होते हैं। जैसे डिसइंफेक्टेंट मतलब जो हमारी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए जैसे कि फिनॉल वगैरह हम यूज़ करते हैं, डिसइंफेक्ट करते हैं अपने घर को, फ्लोर वगैरह को, सरफेस वगैरह को। तो इनकी लिस्ट क्या होती है, उनके स्टैंडर्ड को किस में रखा है? शेड्यूल ओ में। अब इसको याद कैसे करेंगे? देखिए ओ क्या होता है, डेटॉल मैंने लिखा है ओ, डेटॉल में भी ओ होता है, फिनॉल में भी ओ होता है, ये सब क्या होते हैं, डिसइंफेक्टेंट होते हैं, इसमें ओ भी है, इसमें मैंने लिखा है। देखिए ओ मतलब डेटॉल, फिनॉल ये सब डिसइंफेक्टेंट हैं, इसमें ओ भी होता है। जैसे आप डेटॉल फिनॉल, जैसे ही आपको ओ से ही आप डेटॉल फिनॉल तुरंत कोरिलेट करिएगा, डेटॉल फिनॉल दोनों में ओ है, तो ये क्या होता है, डिसइंफेक्टेंट होते हैं। तो आपको शेड्यूल ओ आते ही आपको तुरंत पता चल जाएगा कि लिस्ट ऑफ डिसइंफेक्टेंट फ्लूड या स्टैंडर्ड फॉर डिसइंफेक्टेंट फ्लूड शेड्यूल ओ में आता है। शेड्यूल पी क्या होता है? देखिए लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग, देखिए बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग ट्रिक मैंने लिखा है। लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग, किसी भी ड्रग के लाइफ पीरियड को इसमें डिस्क्राइब किया गया है। वो लाइफ पीरियड हम कैसे याद करेंगे? देखिए पी से क्या होता है, पीरियड्स, पीरियड्स का आपको पता ही है फीमेल्स में पीरियड्स होते हैं, तो उसी को मैंने यहाँ पे लिख दिया। पी मतलब पीरियड, जो ज़िंदगी भर आता है। यहाँ पे ज़िंदगी से आपको लाइफ पता चल जाएगी, पी से पीरियड पता चल जाएगा, तो यहाँ पे पीरियड ज़िंदगी भर आता है, यहाँ पे मैंने इसका ट्रिक लिखा है याद करने का। तो शेड्यूल पी में क्या होता है कि लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग मतलब पीरियड की लाइफ साइकिल, पूरी लाइफ की बात की जाती है, उसकी एक्सपायरी से लेके, उस मैन्युफैक्चरिंग से लेके एक्सपायरी तक की बातें होती हैं इसमें, ये आपको बताया जाए। लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग बताया गया है इसमें, किसी भी ड्रग की लाइफ पीरियड के बारे में बात होती है इस पे। पी से पीरियड ज़िंदगी भर आता है, मतलब कि पीरियड मतलब लाइफ, पीरियड्स लाइफ पीरियड की बात की गई है, ज़िंदगी से आपको पता चल जाएगा लाइफ, और पीरियड का मतलब पीरियड आप समझ ही गए हैं, तो इससे आपको लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग पता चल जाएगा पी से। अब पी वन में क्या होता है, पैकेजिंग ऑफ ड्रग। पी से पैकेजिंग आपको ये बहुत आसान है, आप तुरंत पता आपको पता चल जाएगा पी मतलब पैकेजिंग। पी वन से पी वन आप लिखना हो तो पैकेजिंग ऑफ ड्रग आपको पी वन में आता है, किसी भी ड्रग की पैकेजिंग को इसमें बताया जाता है। और शेड्यूल क्यू क्या होता है, लिस्ट ऑफ डाइज एंड कलर यूज इन द डाइज एंड सॉप, मतलब जितनी डाई और कलर यूज होते हैं किसी भी सॉप को या डाइज को बनाने में, उनकी लिस्ट इसमें दी गई है। इसका कोई ट्रिक नहीं है, आप इसको याद कर लीजिएगा। शेड्यूल आर क्या होता है, शेड्यूल आर जो होता है स्टैंडर्ड फॉर मैकेनिकल कंट्रासेप्टिव। देखिए कितना आसान और बहुत इंटरेस्टिंग ट्रिक मैंने इसमें लिखा है इसके लिए, स्टैंडर्ड फॉर मैकेनिकल कंट्रासेप्टिव। जितने मैकेनिकल कंट्रासेप्टिव होते हैं उन कंट्रासेप्टिव आपको पता ही है, कंट्रासेप्टिव्स होते हैं जो कि प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करते हैं, बचने के लिए यूज़ किया जाता है, तो उनकी स्टैंडर्ड या उनकी लिस्ट इसमें शेड्यूल आर में बताई जाती है। अब इस शेड्यूल आर को देखते ही आपको कैसे पता, आर मतलब रबर, आप इसको ऐसे रिलेट करके याद करिएगा, आपको याद आ जाएगा, ध्यान में रखिएगा, दिमाग में इसे रखिएगा ऐसे। आर मतलब रबर, रबर किससे, रबर कॉन्डोम किससे बनता है, रबर से, और कॉन्डोम किसका होता है, रबर का होता है, और इसको किसके रूप में यूज़ किया जाता है, कॉन्ट्रासेप्टिव के रूप में यूज़ किया जाता है, तो आपको तुरंत पता चल जाएगा। आर मतलब रबर, रबर कॉन्डोम किसका होता है, रबर का होता है, और इसको एज ए कंट्रासेप्टिव यूज़ किया जाता है, इस तरह से याद करिएगा। शेड्यूल आर आते ही आर मतलब रबर, रबर क्या होता है, रबर से क्या बनता है, कॉन्डोम बनता है, कॉन्डोम क्या होता है, कंट्रासेप्टिव होता है, तो इससे आपको तुरंत दिमाग में आ जाता है शेड्यूल आर में कंट्रासेप्टिव्स आते हैं, कंट्रासेप्टिव्स की बात होती है, तो स्टैंडर्ड फॉर मैकेनिकल कंट्रासेप्टिव, जितने मैकेनिकल कंट्रासेप्टिव होते हैं उनकी स्टैंडर्ड की बात शेड्यूल आर में की जाती है। आर से रबर होता है, और रबर का क्या बनता है, कॉन्डोम बनता है, और कॉन्डोम कंट्रासेप्टिव के रूप में यूज़ होता है, ये इसका ट्रिक है। शेड्यूल एस में क्या होता है, देखिए स्टैंडर्ड फॉर कॉस्मेटिक प्रिपरेशन, जितनी भी कॉस्मेटिक प्रिपरेशन होती है उनके स्टैंडर्ड्स के बारे में बात होती है इसमें, और इसका बहुत ही आसान ट्रिक मैंने लिखा है नीचे। एस से क्या होता है, शेड्यूल एस से एस फॉर साइन, साइन मतलब चमक, एस फॉर साइन जो कॉस्मेटिक लगाना चाहती है, एस से मतलब हो गया कि साइन जो कॉस्मेटिक लगाना चाहती है, तो आपको ये याद करने की जरूरत है, एक बार पढ़ लेंगे आपको आसानी से याद हो, एस शेड्यूल एस में मतलब साइन की बात हो रही है जो कॉस्मेटिक
लगाने से ही आती है। तो आपको तुरंत आपके दिमाग में आ जाएगा कि साइन मतलब कॉस्मेटिक की बात की जा रही है, जब साइन कॉस्मेटिक लगाएंगे तो आपके ऊपर साइन आएगी। तो शेड्यूल एस में साइन या कॉस्मेटिक की बात की जाती है, तो आपको इससे तुरंत पता चल जाएगा कि इसमें स्टैंडर्ड फॉर कॉस्मेटिक प्रिपरेशन की बात की जाती है। शेड्यूल टी क्या होता है? GMP फॉर आयुर्वेदिक सिद्धा एंड यूनानी मेडिसिन। यूनानी मेडिसिन की जो बनाने की या जो शुरू से जो प्रिपरेशन या GMP गुड मैनुफैक्चरिंग प्रैक्टिस की बात की जाती है, वो शेड्यूल टी में बात की जाती है। अब देखिए इसको कैसे याद किया, टी मतलब ट्री, ट्री से क्या होता है? आयुर्वेदिक मेडिसिन मिलता है। इसको देखिए याद करिएगा ऐसे, शेड्यूल टी से तुरंत ट्री बनाइएगा, ट्री से आपको आयुर्वेदिक याद आएगा, आयुर्वेदिक याद आएगा, टी से ट्री, ट्री से क्या होता है? आयुर्वेदिक मेडिसिन मिलता है। तो आपको तुरंत याद आ जाएगा कि टी मतलब टी से शेड्यूल टी में मतलब ट्री की बात कर रहे हैं अगर हम, तो उससे ही हमें आयुर्वेदिक मेडिसिन मिलती है। तो आपको तुरंत याद आएगा कि GMP फॉर आयुर्वेदिक सिद्धा एंड यूनानी मेडिसिन की बात होती है शेड्यूल ट्री में, शेड्यूल टी में। अब शेड्यूल यू में क्या होता है? यू में क्या होता है कि एनालिटिकल रिकॉर्ड ऑफ ड्रग, जितनी भी ड्रग की एनालिटिकल एनालिसिस होती है, जितना भी एनालिसिस का प्रोसेस होता है, जो जांच पड़ताल होती है किसी भी ड्रग की, उसकी रिकॉर्ड इसमें क्या होती है, उसमें इस शेड्यूल यू के अंतर्गत डिस्क्राइब किया गया है कि उसको कैसे किया जाता है, क्या एनालिसिस होता है, कैसे रिपोर्ट को एक जगह इकट्ठा किया जाता है। तो शेड्यूल यू में यही बताया गया है। तो इसको याद करने का तरीका नहीं है, ये आपको याद करना ही पड़ेगा। शेड्यूल वी, शेड्यूल वी में लिस्ट ऑफ पेटेंट एंड प्रोप्रियटरी मेडिसिन, इसको भी याद करने का ट्रिक नहीं है, तो आप इसको बस याद कर लीजिए। शेड्यूल वी में ऐसे ड्रग जो पेटेंट हैं उनकी लिस्ट इसमें होती है, पेटेंट ड्रग की। और शेड्यूल वाई लिस्ट ऑफ जेनेरिक ड्रग, देखिए इनको याद करने का क्या तरीका है। शेड्यूल वाई में दोनों को याद करने का तरीका, हम एक ही में लिख दिए हैं वी और डब्ल्यू दोनों, शेड्यूल वी और शेड्यूल डब्ल्यू दोनों को याद करने का तरीका देखिए। शेड्यूल डब्ल्यू में क्या होता है? लिस्ट ऑफ जेनेरिक ड्रग होता है। तो पेटेंट एंड जेनेरिक दो तरह की ड्रग होती हैं, पेटेंट वी में आता है और तो जेनेरिक डब्ल्यू में आता है। इसको ऐसे याद करिएगा आप, पेटेंट और जेनेरिक दो तरह की ड्रग होती ही हैं। जैसे आपके दिमाग में आएगा कि जेनेरिक ड्रग होती हैं, तो पेटेंट और जेनरिक दो तरह की ड्रग होती हैं, पेटेंट भी में आता है और जेनरिक डब्ल्यू में आता है, ऐसे आप इसको याद कर लीजिएगा। दो बार आप पढ़ेंगे तुरंत आपके दिमाग में बैठ जाएगा। शेड्यूल एक्स क्या होता है? एक्स देखिए लिस्ट ऑफ नार्कोटिक एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस, ऐसे सब्सटेंस जो नार्कोटिक होते हैं जैसे कि अफीम वगैरह, कोडीन वगैरह, ये सब नार्कोटिक्स में आती हैं, और साइकोट्रॉपिक वगैरह जो दिमाग पे हमारे जो नशे वाली जो ड्रग होती हैं वो इसमें आती हैं। तो इसको कैसे याद करेंगे? एक्स मतलब होता है खतरा, खतरा मतलब नार्कोटिक ड्रग, और नार्कोटिक ड्रग से ही खतरा होता है। तो आपको इसको बहुत आसानी से ये आपको याद हो जाएगा कि लिस्ट ऑफ नार्कोटिक एंड साइकोट्रॉपिक ड्रग, एक्स मतलब होता है खतरा, शेड्यूल एक्स मतलब खतरे वाली ड्रग्स आती हैं जो नार्कोटिक ड्रग से खतरा ही होता है। तो ये हुआ आप शेड्यूल एक्स। शेड्यूल वाई क्या होती है? गाइडलाइन फॉर क्लिनिकल ट्रायल, गाइडलाइन फॉर क्लिनिकल ट्रायल, गाइडलाइंस जितनी भी गाइडलाइन है क्लिनिकल ट्रायल की वो शेड्यूल वाई में आती हैं। वाई क्या होता है? अब इनको याद करने का तरीका देखिए, बहुत ही आसान और इंटरेस्टिंग तरीका है, आप इसको पढ़ेंगे तो याद आएगा। वाई से होता है यार्क, यार्क जो होता है वो एक जानवर होता है, और क्लिनिकल ट्रायल किस पे होता है? जानवर पे होता है। तो इससे आप जैसे ही कोरिलेट करेंगे आपको तुरंत दिमाग में बैठ जाएगा कि शेड्यूल वाई मतलब यार्क, और यार्क एक जानवर होता है, और जानवर पे ही क्लिनिकल ट्रायल होता है। तो आपको शेड्यूल से वाई से याद हो जाएगा। तो मैंने आपको ये शेड्यूल बहुत ही आसान और अच्छे ट्रिक्स के साथ समझाया है। अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इनका लिंक दे दूंगा, आप ये नोट्स डाउनलोड कर लीजिए और दो बार पढ़ेंगे आपको बहुत ही जल्दी और हमेशा के लिए याद हो जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं। तब तक के लिए बने रहें मेरे चैनल पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।